नमस्कार, मैं हूं रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रदेश सरकार ने कैंसर रोगियों को राहत देने का काम किया, एक बड़ा फैसला किया है, बड़ा कदम उठाया है। और इसके अनुसार जो कैंसर से पीड़ित, कैंसर से ग्रस्त जो मरीज हैं, उनको अब सरकार प्रति माह पेंशन देगी। पेंशन के रूप में 2750 रुपये उनको प्रति माह दिए जाएंगे। और किन मरीजों को दिए जाएंगे ये भी हम आपको बता देते हैं कि जो कैंसर के थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के जो मरीज हैं, उनको जो है अब प्रदेश सरकार के द्वारा पेंशन दी जाएगी। 2750 रुपये पेंशन रखी गई है और ये पेंशन जो है 3 व 4 कैटेगरी के जो कैंसर के मरीज हैं उनको दी जाएगी। अगर अकेले भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कुल 1785 मरीज ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो कि कैंसर से ग्रस्त हैं। इनमें से फिलहाल तक की अगर बात करें, 139 मरीजों ने अपना पंजीकरण करवाया। यही नहीं, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से ग्रस्त जो मरीज हैं उनमें 300 मरीजों ने अपना पंजीकरण करवाया है। अब कैंसर ग्रस्त जो मरीज हैं उनकी कैटेगरी 3 और 4 बताई गई है, उनको जो है ये लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर और साथ ही साथ श्रवण कैंसर, उनसे ग्रस्त जो मरीज हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर जो इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं, जो मरीज इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं, तो उनको निश्चित तौर पर अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन उनको आवेदन करना होगा। इससे इतर भी अगर बात करें, खासतौर पर भिवानी के संदर्भ में मैं बात करूं, स्थानीय जो कार्यालय है स्वास्थ्य विभाग का, वहां भी जो लोग हैं कैंसर जो ग्रस्त मरीज हैं वो वहां पर संपर्क कर सकते हैं मरीज या उनके तीमारदार, और इस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो ये पेंशन दी जाएगी, जो ये धनराशि दी जाएगी 2750 रुपये की, ये सीधे तौर पर मरीजों के खाते में डाली जाएगी और हर महीने ये राशि डाली जाएगी। तो एक तरह से जख्मों पर मरहम लगाने का काम प्रदेश सरकार के द्वारा, सूबे की मनोहर सरकार के द्वारा किया गया है कि ऐसे मरीज पहले से ही ग्रस्त हैं और उसके बाद ऐसे मरीजों को प्रति माह, हालांकि इस तरह के मरीजों का जो इलाज है वो भी कहीं इनके अस्पतालों में एक तरह से मुफ्त किया जाता है, उनको इस तरह के इलाज की सुविधाएं, चाहे PGIMS की बात करें, एम्स की बात करें या फिर दूसरे सरकारी अस्पताल है, वहां पर उनको इस इलाज का जो है एक तरह से निःशुल्क इलाज दिया जाता है। उसके साथ साथ अभी इन एडिशन अगर मैं बात करूं, एड ऑन करते हुए 2750 रुपये की पेंशन और दिए जाने का फैसला, ये बड़ा कदम प्रदेश सरकार के द्वारा, सूबे की मनोहर सरकार के द्वारा उठाया गया है। ऐसे में राहत देने का एक बड़ा काम किया गया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।